अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं यहाँ पे मीठे गुलगुले बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली हूँ इलायची पाउडर, 4 से 5 इलायची पाउडर है, थोड़ी सी खशखश, और यहाँ पे थोड़ा सा ये खोपरा का पाउडर है। आप चाहे तो खुरप के भी डाल सकते, थोड़े से मक्सियात है, काजू बादाम, और यहाँ पे ले ली हूँ सोडा। इसमें डाल लेंगे अब आटा, ये गेहूं का आटे से बना रही हूँ, रवे के आटे, रवे से भी बना सकते, रवे से बनाए तो और अच्छे होते, क्रंची क्रिस्पी होते। यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी आटा डाल रही हूँ, गेहूं का आटा है ये। यहाँ पे 2 चिमटी इतना ये मीठा सोडा डाल लेंगे इसमें। इसमें डाल लेंगे नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मीठे में नमक भी ज़रूरी रहता। इसमें डाल लेंगे इलायची पाउडर, खशखश, ये खोपरा, और ये मग़ज़ियात भी इसमें डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे पहले, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं शक्कर का शीरा बना ली, मैं ज़्यादा नहीं पकाई इसको, और इसमें जैसा फूड कलर डाल ली, ऑरेंज कलर, इससे कलर भी अच्छा आता। मैंने 1.5 कप यहाँ पे शक्कर ली, मैं इसका आधा शक्कर ली समझो, कप से ली मैं शक्कर, और कटोरी से जैसा 1.5 कटोरी आटा ली, इस कप से 1.5 कप शक्कर ली, छोटी है कप। यहाँ पे देखिए मैं अच्छा भिगा दी, क्यों बोले तो ये घट भिगाई, बाद में इसको जैसो अच्छा इसको अच्छी तरह से गूंदना, जब अपन तलते ना, जब इसको अच्छी तरह से गूंद के तलना इसको। अब तो इसको ऐसे ही घट भिगा के रख देंगे, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाता। चलिए ये हो गया गुलगुलों का आटा तैयार। इसको कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे इसको भिगा के, सुबह 10 बजे से आप भिगा के रख देंगे तो 3 बजे तक आप इसको रेडी हो जाता है ये। अब इसको रख देंगे अपन साइड में, हो गए 3 घंटे। यहाँ देखिए ये बहुत घट है ये, इसमें यहाँ पे थोड़ा शीरा है, शीरा डालते जाएंगे, इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे इसको। यहाँ पे इतना शीरा है देखिए, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंदते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से कैसा होगा ये आटा। अच्छा मैं इसको अच्छी तरह से गूंद ली हूँ, देखिए आप देख सकते कितना घटता और कितना अच्छा लूज होगा ये। चलिए अब इसको तेल चढ़ा दे चूल्हे पे, तल लेंगे। यहाँ तेल गरम हुआ नहीं देख लेंगे थोड़ा डाल के, अभी तो तेल गरम नहीं हुआ। यहाँ पे ले लेंगे थोड़े थोड़े मीडियम साइज के दाल, तल लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा भी छोटे नहीं। ज़रा पानी, हाथ को ज़रा पानी लगा लेके इसको तल लेते जाएंगे। तेल में भर के इसलिए डाली कि ऊपर से भी ये अच्छी तरह से तले जाना, नहीं तो आधा रहा तेल तो ऊपर से फिर कच्चे रहते। चलिए ये देखिए, इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, पकने के बाद में, तले जाने के बाद में ये ऊपर खुद ब खुद आते रहते। यहाँ पे देखिए अब अच्छे पफी बन गई है, एकदम फूले। देखिए आप, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे रखिए, ये देखिए परफेक्ट कलर आ गया। अब इसको निकाल लेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दी, एकदम तेल हाथ गर्म हो गया, थोड़ा सा स्लो करी, फिर एक शिफ्ट डालेंगे। यहाँ पे देखिए परफेक्ट अच्छे गुलगुले बन के तैयार हैं। आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। आप लोग का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वज़ल। अल्लाह हाफिज़।